गेल्या 2 वर्ष कोरोनाच्या काळानंतर पुन्हा एकदा सर्व काही सुरळीत सुरू होत आहे. मात्र तोच धर्मांच्या मुद्द्यावर राज्यासह देशभरात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यावर्षी रमजान ईद निमित्त ईदगाहावर झालेल्या सामूहिक नमाज पठणात बुलढाण्यातील चिमुकल्यांनी देखील प्रामुख्याने सहभाग नोंदवलाय. देशात सुखशांती लाभावी, जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि केवळ मुस्लिम बांधवांनाच नव्हे तर देशातील सर्वच समाज बांधवांना निरोगी आरोग्य लाभावे यासाठी या चिमुकल्यांनी अल्लाकडे याचना केली आहे. अस्सलाम वालेकुम. हमारा नाम है मोहम्मद सुबान सफवान. आज हम यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करे हैं और हमने दुआ आज करे है कि पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम रहे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं और सभी मजहब के लोगों के लिए दुआ की है. अल्लाह ताला सबको शांति और अमन के साथ रखे. आज हम सभी ईदगाह पर तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं और इसलिए पूरे देश में अमन शांति रहे, पूरे देश में हमारी अमन शांति रहे, हमारी शांति रहे. ईद के मौके पर हमने अल्लाह से दुआ मांगे हैं कि सारे मुल्क में अमन और शांति रहे. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.